नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। कवय देवउठनी एकादशी जाने सही तिथि, मुहूर्त, पारण समय और महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कब है और पूजा एवं पारण का समय क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन चतुर्मास का समापन होता है, क्योंकि इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु चार माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। चातुर्मास के समापन पर भगवान विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का भी विधान है। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ज्योतिषाचार्य रघुनाथ प्रसाद शास्त्री बताया कि देवउठनी एकादशी व्रत कब है और पूजा एवं पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम 7:30 से हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 नवंबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:35 से सुबह 10:42 के मध्य कर लेना चाहिए। इस समय में भी सुबह 7:57 से 9:20 तक लाभ उन्नति मुहूर्त है और सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन पारण सुबह 6:36 से सुबह 8:47 के मध्य कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम 5:06 पर होगा। मांगलिक कार्यों की दृष्टि से देवउठनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि से विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि जैसे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव शनि एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 माह कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, क्योंकि इन 4 माह भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन की समस्याएं भी दूर होती है। रिपोर्ट प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।